प्रयागराज के संगम के किनारे स्थित लेटे हनुमान मंदिर में गुरुवार को मां गंगा की धारा पहुंच गई। चंद ही पलों में हनुमान जी की लेटी हुई आदमकद प्रतिमा गंगा की गोद में समा गई। गंगा में डूबते हुए हनुमान जी के मंदिर के अद्भुत पल को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से पानी चला गया है बजरंग बली के घुटनों तक और श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। बता दें कि घुटनों तक पानी में चलकर श्रद्धालु ने बजरंग बली के दर्शन किए, लोगों का तांता लगा रहा। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार की दोपहर गंगा का पानी त्रिवेणी बांध स्थित लेटी हनुमान मंदिर तक पहुंच गया। ऐसी मान्यता है श्रद्धालुओं की, लोगों की, प्रयागराज के लोगों की, कि बारिश के दिनों में हर साल माँ गंगा लेटे हनुमान जी को स्नान कराने पहुँचती है। हनुमान मंदिर में जैसे ही माँ गंगा की धारा पहुंची वैसे ही भक्त जयकारे लगाने लगे। घुटनों में चलकर पानी घुटनों तक था, वहां पर चलकर बजरंग बली के लोग दर्शन करने पहुंचे, आशीर्वाद लिया। ये मान्यता भी है कि जब जब माँ गंगा बजरंग बली के घुटनों तक पानी पहुंचा देती हैं, तब तब देश में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती और देश में खुशी और प्रदेश में समन्वय और भाईचारे का माहौल बना रहता है। सर्वप्रथम गंगा जी को जब गेट पे आती हैं तो गंगा जी का पूजा अर्चना वैदिक ब्राह्मणों द्वारा श्री महंत विचारानंद संस्कृत महाविद्यालय, जो इसे हनुमान जी के ही विद्यालय है, वहाँ के वैदिक ब्राह्मण आते हैं, मंत्रोच्चारण से आह्वान करते हैं और वहाँ के महंत होने के नाते मैंने उनकी पूजा अर्चना की, आह्वान किया, गंगा जी में आई और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए गंगा जी ने हनुमान जी का स्नान कराया।